दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे प्यूजो की तरफ से आने वाली एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी की। ये है ऑल न्यू प्यूजो 2008 या फिर आप इसे कह सकते हैं प्यूजो 2008। तो आपके सामने है, ऑल न्यू लुक्स के साथ है, कम्पीट करेगी किया सेल्टोस के साथ और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। ह्यूंडई क्रेटा को भी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से कम्पीट करेगी। प्यूजो इसे इंडिया में काफ़ी जल्द लॉन्च करने वाला है। अगर आप इसके लुक्स को देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लुक्स है और जो इसका लॉन्च है ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। और अगर आप देख पा रहे होंगे प्यूजो 2008 को, देख सकते हैं आप, एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर डिज़ाइन पे बेस है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा शानदार लुक्स के साथ आती है। फ्रंट का लुक जो इसमें दिया गया है काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, आप देख सकते हैं। आपको जो इसमें LED DRLs दिए गए हैं, एक आपको एक टाइगर क्लॉक का डिज़ाइन इसमें देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट का लुक अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आपको लायन का एम्बलम मिलेगा जो कि प्यूजो का अपना लोगो है। सेंटर में आपको मिल जाती है 2008 की बैजिंग जो कि इसका मॉडल नंबर है। और अगर आप इसके पेंट क्वालिटी को देखते हैं तो उसमें आपको पूरा ग्लिटर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर आप साइड से देखते हैं इस गाड़ी को, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है ये। अभी आप इसकी ग्रैंड टूरर लाइन को देख रहे हैं, इसकी GT लाइन है। इसमें जो आपको इंजन ऑप्शन दिए गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अगर मैं आपको एक हिंट देता हूँ तो यही सेम इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं XUV300O के अंदर, लेकिन ये गाड़ी कम्पीट कर रही है सेल्टोस के साथ। अगर मैं आपको इसका पूरा साइड का प्रोफाइल दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस पूरे साइड के प्रोफाइल को। अलावा इसका डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल डिज़ाइन दिया गया है। 17 इंचज़ के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बाकी ये कुछ है पूरी गाड़ी, और जिसमें आपको इंटीरियर मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लश मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलते हैं। और अगर आप हेडलाइट्स की बात करें तो आपको पूरा स्मोक्ड आउट इसमें ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। ये जो इसमें कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, एक नई चीज़ है इस सेगमेंट में, जैसे आपने टाटा हैरियर के साथ देखा जिसमें आपको अबव द हेडलैम्प्स मिलते थे DRLs, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। नीचे अगर आप फॉग लैम्प्स देखेंगे वो भी आपको एक अलग प्रीमियमनेस के साथ मिलेंगे। ये गाड़ी इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है क्योंकि ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ सेफ्टी वाइज पावरफुल और लुक्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप इसके फ्रंट के लुक को देखते हैं तो ये इस गाड़ी का कुछ फ्रंट का लुक है, मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया लुक आपको इसमें दिया गया फ्रंट से। अगर मैं आपको प्यूजो की अलग लाइन दिखाऊं तो आपके बगल में आप देख पा रहे होंगे प्यूजो 3008 जो कि 5 सीटर है, वहीं उसके बगल में आप देख पा रहे होंगे प्यूजो 5008 जो कि एक 7 सीटर है। तो आज तो हम बात कर रहे हैं प्यूजो की सबसे सस्ती गाड़ी जो कि है प्यूजो 2008 कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट की गाड़ी है। और ये कुछ आप देख रहे हैं इसके अलॉय व्हील्स को, अभी आपको इसमें 18 इंचेस का अलॉय व्हील्स मिले क्योंकि ये इसकी GT लाइन है, लेकिन इंडिया में आपको इसके 17 इंचेस के और 16 इंचेस का अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें कहीं ना कहीं MGZS EV की तरफ विंड मिल डिज़ाइन का यूज़ देखने को मिलेगा। सेंटर में आपको प्यूजो का पूरा लोगो देखने को मिलता है। ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिज़ाइन की गई है, मिशेलिन के आपको इसमें पूरे टायर्स मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इसमें आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि इंडिया के हिसाब से और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं GT लाइन की बैजिंग, GT लाइन इसमें क्या दर्शाती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे ए पिलर की ओर आते हैं, बी पिलर की ओर आते हैं और सी पिलर की ओर आते हैं तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली पियानो ब्लैक फिनिश आपको इसमें मिलती है जो कि इसको काफ़ी बढ़िया बनाती है। और सेल्टोस और क्रेटा से कम्पीट करने के लिए इसमें आपको सनरूफ चाहिए तो उनसे ज़्यादा बड़ी, देखिए आप, काफ़ी बड़ी आपको इसमें पूरी सनरूफ मिलती है। और अगर आप डी पिलर की बात करें तो यहाँ भी आपको एक स्पेसिफिक टेक्सचर मिलता है, देख सकते हैं आप। गाड़ी की अगर आप साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये कुछ पूरी गाड़ी का साइड का प्रोफाइल है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी लगती है। एक मैं इसे कहूँगा XUV300O की तरह आपको उसमें डिज़ाइन मिलता है, लेकिन ये उससे थोड़ी बड़ी गाड़ी है। स्पॉयलर्स अगर आप देखेंगे तो ये कुछ आप इसके पूरे स्पॉयलर देख रहे हैं, एक स्पॉयलर डिज़ाइन दिया गया पूरा। रूफ रेल्स अगर आप देखेंगे ये भी पूरा सेम इसमें फ्लश्ड आउट डिज़ाइन मिलता है। क्वार्टर पैनल ग्लास इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन आपको इसमें सेकेंड डोर में ही ये सब कुछ दिया गया है। बूट स्पेस जो ये गाड़ी देती है आपको ये दे देती है 400 लीटर्स बूट स्पेस, 464 लीटर का बूट स्पेस जो कि सही है। रियर का लुक कुछ ऐसा दिखता है। नीचे आपको GT लाइन की बैजिंग मिलती है, और अगर आप देखेंगे एक्सटेंडेड आपको जो रियर का बोनेट मिलता है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। रियर पार्किंग सेंसर्स आप देख पा रहे होंगे, आपको मिल जाएगी एक कैप मिल जाएगी एग्जॉस्ट पाइप के लिए, ये भी इसको एक प्रीमियमनेस पूरा प्रोवाइड करती है। ये गाड़ी यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स के ऊपर पूरा बेस की गई है,
तो इंडिया में BS6 को क्लियर करना इसके लिए एक बच्चों वाली बात हो जाएगी। प्यूजो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल गाड़ियाँ बनाती है। अगर आप जीप कंपास की बात करें तो जीप कंपास भी इस गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। प्यूजो की प्रीमियमनेस जीप से ऊपर के लेवल की है। और ये कुछ आप देख रहे हैं इसके पूरे रूफ का डिज़ाइन। अभी हम सिंगापुर मोटर शो में हैं और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रांस की गाड़ी, फ्रांस की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी। यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्यूजो लिखा हुआ मिलेगा, काफ़ी बढ़िया उसका एम्बलम दिया गया है, प्यूजो का लोगो और GT लाइन। और ये कुछ है टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी देखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा एंगुलर और काफ़ी शार्प आपको इसमें दिया गया है। सेफ्टी वाइज देखें तो रियर पार्किंग सेंसर को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, लेकिन इंडिया में इस पोर्शन को नहीं दिया जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको इसमें 45 लीटर्स की दी गई है। मैं आपको दिखाऊं इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो कैसा मिलता है। कम्प्लीटली आपको फ्लैश्ड आउट मिलेगा, देखिए बूट आपको इसमें कम्प्लीटली फ्लैश्ड आउट मिलता है। कोई भी आपको इसमें पावर असिस्टेड टेलगेट नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलेगा जैसे कि किया सेल्टॉस की वेरियंट्स में मिलता है। लेकिन एक चीज़ आपको देखिए, जो आपको लगेज के लिए एक बोर्ड मिलता है उसको होल्ड करने के लिए अच्छा सा मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है जो कि प्रेस हो जाता है। देखिए ये नीचे आपको स्पेयर व्हील प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में, लेकिन यहाँ पर आपको अभी कुछ भी नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि ये एज अ कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्प्ले की गई है और फ्रांस से इसे सीधे लाया गया है। अब मैं चलता हूँ इसके फ्रंट से। ये गाड़ी अभी फ्रांस की है तो ये अभी आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव मिलने वाली है, तो यहाँ भी देख लेंगे क्या फीचर है, कैसे पूरा एर्गोनॉमिक्स है। और स्टीयरिंग का डिज़ाइन देखिए, स्पोर्ट्स कार से ये गाड़ी कहीं भी पीछे नहीं रहती है। सीट्स का पूरा लेआउट देखिए, कम्प्लीटली आपको इसमें ब्लैक वो मिलने वाला है अगर इंटीरियर्स की थीम की बात करें, क्योंकि GT वेरिएंट है। और डोर्स काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होते देखिए। फ्रंट का डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम आपको स्ट्रिप्स मिलेंगी जो कि और ज़्यादा इसको प्रीमियम बनाती है XUV500 की तरह। और नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरा ये मिलने वाला है। 160 mm इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं जो आपको इसमें प्रोवाइड किए गए, तो ये सारा कुछ इसको एक लग्जरी का एक फीचर बना देते हैं। अगर आप ORVMs की बात करते हैं तो ORVMs देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलते हैं, ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके सीधे ड्राइवर सीट में। मैंने इसका सारे डोर्स ओपन कर दिए ताकि ज़्यादा बढ़िया आपको एक एम्बियंस मिले। अभी हम बैठ के देखेंगे क्या स्पेस दे रही है, क्या लग्जरी आपको इसमें मिलती है। तो ये देखिए मैंने पूरी व्हीकल को ओपन कर दिया है और यहाँ से अगर आप इसके डोर पैनल से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ स्ट्रिप मिलती है। एक टेक्सचर्ड आपको इसमें सेमी सॉफ्ट मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। और ये कुछ आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, ब्रश्ड आउट एल्युमिनियम लीवर आपको मिलेगा, एक लेदर फिनिश्ड आपको आर्मरेस्ट इसमें मिलता है येलो स्टिचिंग के साथ जो कि डेडिकेटेड है इसकी GT लाइन के लिए। फोकस का आपको इसमें साउंड सिस्टम मिलता है जो कि फ्रांस में एक पॉपुलर ब्रांड है। ये आ गया आप इसके इंटीरियर्स में। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल छा जाएंगे इस पर। और पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। देखिए प्यूजो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और IC गाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से जाना जाता है। जो इसकी 7-सीटर गाड़ी है उसको बेस्ट इंजन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। तो आप प्यूजो की रिलायबिलिटी में कहीं से भी डाउट मत कीजिएगा कि नई कंपनी आने वाली है क्या होगा, क्योंकि अगर आप MG में भरोसा कर सकते हैं तो प्यूजो में करना तो बनता ही है। पैडल शिफ्टर्स आपको दिए गए, मेमोरी सीट्स का फंक्शन मिल जाता है। और ये कुछ आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सीट्स आपको ये मिल जाएगी। 4-way एडजस्टेबल आपको इसमें दी गई है पूरा सिस्टम, और ये आपको पूरा सिस्टम मिलता है। अगर मैं आपको अपने प्रोस्पेक्टिव से ये गाड़ी दिखाऊं, ये देखिए मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो गाड़ी कुछ इतनी बड़ी लगती है। मेरी हाइट है 6 feet की और मेरे सामने ये गाड़ी कुछ इतनी है। और अगर मैं इसमें बैठ के आपको दिखा देता हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी जो प्यूजो ऑफर कर रही है बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका वर्चुअल कॉकपिट देखते हैं जो कि है 10.67 inches का, जो कि आपको 3008 में भी मिलता है प्यूजो की सीरीज़, वही सेम आपको इसमें मिलेगा जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया एनिमेशंस दिए गए। देखिए बहुत बेहतरीन एनिमेशन लगता है इसमें, ये देखिए एनिमेशन, मतलब यार चीज़ ही अलग चीज़ है। इंडिया में मतलब ऐसी चीज़ें आपको अभी तक देखने को नहीं मिली है इस सेगमेंट में। इसकी लंबाई है 4300 mm जो कि किया सेल्टॉस से कम है, क्रेटा से कम है। और अगर आप पावर विंडोज़ की बात करें तो पावर विंडो आपको ये मिलने वाली है, और ग्रैब हैंडल आपको काफ़ी प्रीमियम लेदर फिनिश के साथ ऑफर किया गया है। दूसरी ओर अगर आप AC वेंट्स की बात करें तो ये आप इसके AC वेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा लेकिन काफ़ी स्टर्डी मटेरियल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिनिश, और यहाँ पर पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा।
फोकस का ऑडियो सिस्टम आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। दूसरी ओर अगर आप IRVM देखें तो आपको ये बेजल लेस पूरा IRVM इसमें दिया गया है। देखिए, हेलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सीट बेल्ट के लिए आपको पूरा इंडिकेशन ये प्रोवाइड करने वाला है। इंटीरियर्स की थीम इसमें कम्प्लीटली ब्लैक आउट दी गई है और ये आप इसके वैनिटी मिरर्स को देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो है इसकी एक ये काफ़ी बड़ी 12.7 इंचज़ की इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑफर कर देगी। लोडिंग द सिलेक्टेड, और अगर आप नीचे आते हैं तो आपको लंबोगिनी की तरह ही सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ये भी इसको एक काफ़ी बढ़िया डील बनाते हैं। इसी की परफॉर्मेंस की बात करूं मैं आपसे तो ये कुछ है अभी इसके लिए, लेकिन यहाँ ये इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपको इट विल नॉट वर्क। और बाकी अगर आप नीचे देखते हो तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश प्रोवाइड की गई, यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे। बाकी ये सारे कुछ कंट्रोल्स तो आपको मिलते ही रहते हैं इसमें, ये इसके नॉर्मल फीचर्स है। दूसरी ओर यहाँ पे देखेंगे तो आपको USB-C दी गई है जो कि इतनी ज़्यादा डिटेल शायद कोई ही कंपनी इसमें यूज़ करती होगी, और यहाँ पर आपको नॉर्मल USB पोर्ट मिलता है। इंटीरियर्स मैंने आपको दिखाया, और अगर मैं आपको अपने एम्बियंस दिखाता हूँ, अपने हेडरूम दिखाता हूँ, तो देखिए मेरा हेडरूम आप इजीली देख पा रहे होंगे, अच्छा हेडरूम मिल रहा है, ज़्यादा ही नहीं है लेकिन अच्छा हेडरूम मुझे इसमें मिल रहा है। शोल्डर रूम भी प्रॉपर मिल जा रहा है मुझे। दूसरी ओर अगर मैं आपको अपना इसका सारी पावर विंडो और ये सब कुछ दिखाऊं, जो सनरूफ इसमें दी गई है काफ़ी बड़ी सनरूफ मिल जाती है मुझे, जिसको वन टच ऑपरेशन के साथ मैं इसको खोल सकता हूँ। देखिए वन टच ऑपरेशन में ये ओपन हो जा रही है, जिससे कि मुझे इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा रूमी फील हो रहा है। हाफ वे ये ओपन होने वाली है और हाफ वे इसका ग्लास रहेगा, तो ये थोड़ा एक डाउनसाइड है, लेकिन अगर आप पूरी बिल्ड क्वालिटी देखें और प्यूजो की पूरी गाड़ी देखें तो काफ़ी अच्छी मैं से कहता हूँ। सीट्स का पूरा फंक्शन मिलता है यहाँ पर, नीचे आपको पूरे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। ये मिलता है इसका टॉक कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक सिस्टम जो कि 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर बेस्ड ऑटो सिस्टम है। अब मैं आपसे बात करता हूँ जो आपको इसमें इंजन ऑप्शन ऑफर किए गए हैं। इसमें आपको अभी 2 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में। पहला इंजन है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको महिंद्रा XUV 3W में मिलता है, लेकिन वो इंजन आपका आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट इंजेक्शन बेस्ड नहीं है, आपको वो नेचुरली आप कैसे कह सकते हो वो MPFI बेस्ड इंजन है जिसमें आपको सिर्फ टर्बो ऐड किया गया है। लेकिन ये जो आपको इसमें इंजन मिलता है ये मिल जाता है GDI बेस्ड 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, और दूसरा जो आपको इसमें डीजल इंजन मिलता है वो मिलता है 1.6 लीटर का डीजल इंजन। तो इंडिया में इसका प्लान है कि सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि सिंगापुर में भी ये अपना सिर्फ पेट्रोल इंजन ही दे रहे हैं। ये तो थी इसकी बातें, और इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी अभी श्योर नहीं है, सिर्फ अभी इसमें ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन मुझे देखने को मिल पा रहा है। दूसरा, आप यहाँ से इसमें सब कुछ कर ही सकते हैं। और सीट्स का अगर मैं आपको पूरा डिज़ाइन दिखाऊं तो सीट्स आपको पूरी ऐसी मिलने वाली है इसमें। यार इन गाड़ियों के सामने यार सेल्टोस और ये सारी सेगमेंट इतनी ज़्यादा टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि जो लग्जरी दे रही है, जो परफॉर्मेंस दे रही है, उसका तो तोड़ ही नहीं है उनके पास। गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है सेल्टोस और हेक्टर, लेकिन ये गाड़ियाँ फ्रांस की है तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी और वो भी अच्छी लगती है। रियर में आपको इसमें AC वेंट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको चार्जिंग के लिए पावर मीटर ज़रूर मिलेगी। मैं अब आपको इसको दिखा देता हूँ, इसका इंजन जो कि है इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जैसे कि आपको फोक्सवैगन की GT TSI के अंदर भी मिलता है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बोनेट इसका काफ़ी लाइट है, तो बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहूँगा, बोनेट से ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज अब लाइटर मटेरियल यूज़ कर रही है फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी, और वो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि वोल्वो अपनी गाड़ी में यूज़ करती है बोरोन स्टील का, जो कि ज़्यादा रिजिड होता है और ज़्यादा लाइट होता है। अगर आप देखें इंजन को, तो इंजन आपको मिलेगा ये 1.2 लीटर का, उतना ज़्यादा इंस्पायरिंग तो नहीं लगता है जैसा ऑडी है और उसका लगता है, लेकिन फिर भी अपना काम अच्छे से कर लेता है। 100 BHP आपको देता है। बाकी ये आप इसके टर्बो चार्जर की लोकेशन देख रहे हैं, और बैटरी एज और ये सब कुछ आप यहाँ पर डैम्पनिंग प्रोवाइड की गई है, ये कुछ है देखिए। बाकी मैम सबकी देख रही है सबको। अगर मैं आपको ले चलता हूँ इसकी सेकंड रो की सीट्स की, ओ तो सेकंड रो की सीट्स आपको कुछ ऐसी मिलेगी इसमें। सेकंड रो में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है मैं कहूँगा, ओके स्पेस है, कि यह सेल्टोस के बराबर स्पेस नहीं लग रहा है मुझे इसमें। एक तो इसके पूरे इंटीरियर्स ब्लैक आउट मिलते हैं, जिससे कि स्पेस और थोड़ा सा कम हो जाता है। ये देखिए इसके पूरे इंटीरियर्स को, सेंटर में देखिए आपको टनल मिलती है, जिससे कि ये दर्शाता है कि ये गाड़ी ज़्यादा सेफ है लाइक अ फोक्सवैगन कार्स, और मैंने इससे पहले जितनी भी गाड़ियाँ बनाई हैं और जो ज़्यादा अच्छी एनकैप रेटिंग के साथ आती है उनमें आपको सेंटर में टनल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये एक एज अ कॉलम वॉक करता है, जिससे कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बैठ के देता हूँ इसके अंदर,
तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली कंफर्टेबल आपको उसमें सिटिंग पोस्चर मिलता है। अगर आप रिक्लाइन की बात करते हैं, अंडर सपोर्ट की बात करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया मिलता है। कुशनिंग जो आपको उसमें प्रोवाइड की गई है वो भी अच्छी दी गई है, मतलब आप इसको खुद फील कीजिए। काफ़ी अच्छे लेदर मटेरियल का यूज़ आपको इसमें मिलेगा। मैं अगर इसको ओपन भी करता हूँ तो ईजिली रीच है, ज़्यादा चौड़ी गाड़ी नहीं है। तो ये कुछ है मेरा इसका एक डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नई नई गाड़ियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और मैंने आपको इसका एक ग्लोव बॉक्स का ये सब कुछ अभी आमरस का ये कुछ नहीं दिखाया है, तो यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है, मतलब पैडिंग वाइज और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया इसमें दी गई है। 6 एयरबैग्स आपको इसमें मिलेंगे जो कि और भी ज़्यादा सेफ बना देते हैं इसको। तो ये सिंगापुर मोटर शो में है और टायर साइज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि ये इसकी GT लाइन है, तो आपको इसमें 18 इंचेस का टायर साइज़ मिलने वाला है। और रियर में भी आपको मिल जाएंगे इसमें डिस्क ब्रेक्स, देख पा रहे होंगे आप। तो ये है गाड़ी कुछ पूरी की पूरी, जो इसका ये वाला डिज़ाइन लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए आप, अगर आपको पसंद आ रही है गाड़ी तो इसके लिए ज़रूर वेट कीजिए। और ज़्यादा सेफ़ गाड़ी है, मतलब मैं कहूँगा प्यूजो की तरफ से। प्यूजो का अगर मैं आपको टाइगर दिखाता हूँ, लायन दिखाता हूँ, तो ये प्यूजो का पूरा लोगो है और ये प्यूजो का पूरा पोर्टफोलियो है। ये आती है PSA ग्रुप के अंडर, जो कि रेनाउंड ब्रांड है अगर आप फ्रांस की बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और MG भैया आपके सामने हैं, MG भैया से भी हम कुछ लेके आते हैं आपके लिए। MG भी काफ़ी अच्छी अच्छी आपके लिए गाड़ियाँ लेके आए। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करते रहिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।